हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर ई एंड ई में सम नंबर 2। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी हमने कंप्लीट कर दिया है और ई का फर्स्ट हम कंप्लीट कर दिया था। आज हम सेकंड सम से ई क्वेश्चन नंबर ई का सेकंड सम से स्टार्ट करते हैं। इसमें अक्षिता है, इस कंप्लीटेड 2/3 ऑफ हर होमवर्क, हाउ मच वर्क सी लेफ्ट। इतना 2/3 होमवर्क कंप्लीट किया है तो कितना वर्क उसे बाकी उसने छोड़ दिया होगा। तो हम सबसे पहले हमें क्या करने का है कि 2/3 वर्क कंप्लीट कर दिया है किस में से, तो 1/1 वर्क में से। ठीक है, तो हमने इसका 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3। ठीक है, तो फिर 1/1 मल्टीप्लाई 3 1 3 होता है नहीं, इसीलिए 3/3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर माइनस 2/3 तो 3 1 3, तो इस यहाँ पे 1/1 से मल्टीप्लाई करने का है तो क्या आएगा, 3 1 3 1 3 3 माइनस 3 1 3, तो माइनस 2 1 2/3। तो ये हो गया हमारा सम इसमें से। फिर लास्ट स्टेप रखने का है कि 3 माइनस 2, और 2 डिनोमीटर है उसका, एक ही डिनोमीटर का देने का है 3। ठीक है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1/3 वर्क लेफ्ट। कितना वर्क लेफ्ट हुआ होगा, 1/3। जब कुछ भी नहीं दिया है तो हमें 1/1 गेस करने का है कि सारा होमवर्क यानी 1/1 में से इसने कितना किया, तो 2/3 वर्क उसने कंप्लीट किया तो कितना बाकी रहा होगा, कितना लेफ्ट रहा होगा, तो 2/3 उसमें से माइनस करने होंगे। यहाँ पे मैंने करके दिखाया है, ये आपको होगा कि 1/1 कहाँ से आया, तो 1/1 टोटल कंप्लीट होमवर्क है, इसमें से कितना किया था, 2/3। ठीक है, अब सम नंबर 3। सम नंबर 3 है, अक्षिता इज कंप्लीटेड, नहीं, सौरभ जंप 6 मीटर इन लॉन्ग जंप एंड हिज क्लासमेट रोहित जंप 1.5/8 meter लेस देन सौरभ, हाउ लॉन्ग वॉज रोहित जंप। तो रोहित है वो सौरभ से कितना लंबा जंप किया होगा, तो यहाँ पे हमें 6 पे कुछ नहीं है, 6 मीटर ही दिया है, तो हमें क्या करने का है, नीचे 1 रख देने का है और फिर आगे सम करने का है। तो यहाँ पे 6/1 और फिर रोहित का कितना है, 1.5/8, तो 8 1 8 + 5 = 13/8। तो इसका मतलब है कि 6/1 और 13/8, तो एलसीएम दोनों का क्या आया, 8। ठीक है, तो अब 6/1 तो 1 के टेबल में 8 आता है, 1 8 = 8, तो यहाँ पे दोनों पे हमने 8/8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6/1 मल्टीप्लाई 8/8 माइनस 13/8, तो 8 1 = 8, तो दोनों को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आंसर क्या आया, 6 8 = 48 एंड 13 1 = 13, 2/8/8 है, तो दोनों का डिनोमीटर 1 हो गया है। अब हम माइनस कर सकते हैं और लास्ट स्टेज रखने का है कि 48 - 13 और 1 डिनोमीटर 1, तो 48 - 13 नीचे 8, तो आएगा 35/8। तो यहाँ पे हमने 8 से डिवाइड किया है तो 4 8 = 32 + 3 = 35, तो क्या आंसर आया, 4.3/8 meter लॉन्ग जंप किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर ई का सम नंबर 3 कंप्लीट कर दिया। अब सम नंबर 4, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 7.1/4 टू गेट 9.1/4।
तो यहाँ पे 9.1/7, तो यहाँ पे हमें पहले तो दोनों को सॉल्व करने का है, और फिर जो सेकंड नंबर है उसमें से फर्स्ट नंबर माइनस करने का है। तो यहाँ पे हम करेंगे कि 7 9 63 + 1, तो 64/7 एंड 7 एंड 9 7 60 7 4 28 + 1, तो 29/4 एंड 64/7। तो यहाँ पे क्या करने का है, जैसे मैंने लिखा है इसे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करने की है, इक्वल एलसीएम दोनों का क्या आएगा, 7 और 4 है तो 28, ठीक है। तो अब सेकंड टर्म में 64/7 एंड फर्स्ट टर्म में 29/4। तो यहाँ पे हमने दोनों का डिनोमीटर एक करने के लिए एलसीएम तो क्या आया, 28। अभी 64/7 तो 7 के टेबल में 28 कहाँ पे आता है, 4 पे, तो दोनों को 4/4 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 29/4 है तो 4 के टेबल में 28 कहाँ आता है, 7 पे, तो 29/4 को 7/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 64/4 करने का है और 28/7, तो 68/4 तो 256, 28/28 एंड 203/28, 29/7 करेंगे तो क्या आएगा, 203/28। अब दोनों को लास्ट स्टेज रखने का है, दोनों का डिनोमीटर एक हो गया है, अब हम माइनस कर सकते हैं, 256 - 203/28, तो यहाँ पे दोनों में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 53/28 वो आंसर आया, लेकिन 53 बिग है, 28 स्मॉल है, तो हम उसे डिवाइड कर सकेंगे, तो 21 8 21 + 25 = 53/28 हो गया। तो आंसर क्या आया, 1.25/28 तो इतना ये आंसर आ गया क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर ई का 4। और यहाँ पे ये